हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लुईस सिंबल. लुईस, LEWIS, लुईस सिंबल्स. तो क्या होते हैं लुईस सिंबल्स? जो मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. कि हमने पढ़ा है ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दीज आर नोन एज बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं हम उनको? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और ये जो जी एन लुईस थे, अमेरिकन केमिस्ट है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. दीज नोटेशन आर नोन एज लुईस सिंबल. ठीक है. इन्होंने एक नोटेशन दिया कि बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट के फॉर्म में. दैट सिंबल इज नोन एज लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल. उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या सिंबल. ठीक है. तो जो वो नोटेशन जो उन्होंने दिया उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया, डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया, दैट इज नोन एज द लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. तो लुईस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को या तो डॉट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरह से क्रॉस के साइन के साथ जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने कैसे रिप्रेजेंट करनी है? या तो डॉट के साइन के साथ या फिर इस तरह से अराउंड द क्रॉस सिंबल जो है ये आपने यूज करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम है. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फर्स्ट में कितने होंगे? 2. आउटर मोस्ट में 1. तो कैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये है लिथियम, आपके पास एक बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे. इसी तरह से बेरिलियम है. बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके? 2. यहाँ पे लिखेंगे. बोरोन है आपके पास, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 5. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? फर्स्ट में कितने होंगे? 2. नेक्स्ट में कितने होंगे? 3. हो गए 5. तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये बोरोन है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट करने हैं. 1, 2, 3, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनी. ठीक है. इसी तरह से कार्बन है, एटॉमिक नंबर इज 6. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी कैसे हम ड्रॉ करेंगे कार्बन की? 1, 2, 3, 4. क्लियर है. तो जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होंगे उतने आपने क्या करने हैं? वो डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी. इसी तरह से फ्लोरीन है. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2 और 7. 7, 8, 9 हो गए. ठीक है. तो हमें पता है बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं. अगर तो 1, 2, 3, 4 तक हो, 5 तक हो, मीन्स 4 तक है, तो एज इट इज़ 1, 2, 3, 4 उसकी वैलेंसी होगी. अदरवाइज अगर 5, 6 इससे ऊपर हो जाता है तो आपने क्या करना है? उसको 8 में से माइनस करना. अब ये वैल्यू जो है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन 7 शो कर रहा है ये क्या है आपके पास? 5 से ज़्यादा है. तो इसको हम क्या करेंगे? 8 से माइनस कर देंगे. तो कितना आया आपके पास? कितने आए ये? 1. ठीक है. तो इस तरह से आपको पता है वैलेंसी भी जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो कैसे बनेगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है. तो ये है फ्लोरीन आपके पास. 1, 7 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं. 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है. तो इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करेंगे. पहले सिंगल सिंगल है तो इस तरह से यूज़ करेंगे आप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर दो. ठीक है. तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपने एक मतलब पेयर बनाना है. दो दो ही आएंगे आपके पास. तो इस तरह से 7 जो है वो कंप्लीट करने हैं. इसी तरह से नियोन के अंदर कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. तो नियोन में बैलेंस शेल में 2, 4, 6, 7, 8. क्लियर. ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2, 6. तो कैसे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं? 2, 4
फाइव एंड सिक्स ऐसे करता, ठीक है, टू फोर फाइव एंड सिक्स। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास कि लुईस सिंबल क्या होते हैं और ये लुईस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखना है और उनको रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपने प्रैक्टिस करनी है, अदर भी एग्जाम्पल्स लेके आपने इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, आठ, एट, ठीक है, एट से रिलेटेड है ऑक्टेट आपका। तो एट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करने हैं, मीन आठ जो है इलेक्ट्रॉन्स वो शेल में होने चाहिए, एट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो एटम जो है कंबाइन कैसे होते हैं, आइदर बाई द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर बाई गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वाई शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव द ऑक्टेट इन देयर बैलेंस शेल। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, या फिर क्या करते हैं जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको शेयर कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ऑक्टेट रूल है कि एटम जो है वो कैसे कंबाइन करते हैं, आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर, ठीक है, और वह शेयरिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव द ऑक्टेट इन देयर बैलेंस शेल, दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए। तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली वन, ठीक है। तो अब क्या है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो कोई भी एलिमेंट है वो क्या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, वो नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वैसे बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी कि जैसे वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, अब यहाँ पे कितने, सिक्स और एट जो है, टू है सिक्स और टू इलेक्ट्रॉन, तो एट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो लॉस कर देता है, मीन्स यहाँ पे एन ए पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। तो ये 2p6 हो गया, ये क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 तक होगी, 6 प्लस 2 8 हो गए, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कैसे बन गया ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। तो अगर ये अपना जो है बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, तो यहाँ से कंप्लीट इसके पास जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अपने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 जो है अगर ये लॉस कर दे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, 2 पॉजिटिव मैंने लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया, तो इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया। इस तरह से ये रूल ये है कि अपने जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है खुद को नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसने, और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है, अपने आठ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अपने ऑक्टेट में इसने कंप्लीट करना है। उसके लिए ये क्या करता है, बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करता है, गेन करेगा या लॉस करेगा, तो इस तरह से करके ट्रांसफ़र करके उनको अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑक्टेट रूल। अब हमारे पास जो है वो आता है नेक्स्ट, आपके पास जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोब्लेंट्स बॉन्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो ये आपके केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण है, जैसे लुईस सिंबल है ये यूज होंगे, और ऑक्टेट रूल क्या है, तो ये केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं उसका बेसिक रीजन है ये, ठीक है। तो एटम कैन आल्सो एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग विद अदर एटम, देयरफॉर देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं अगर वो शेयर करके बनते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज द, हमने क्या लिखवाया था मैंने आपको, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और इसको और क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोब्लेंट आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक ही है, आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम
टू द अदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, सो एज टू कम्प्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑक्टेट एंड एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. तो जो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है ताकि वो उसको एक्वायर कर सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीट ट्रांसफर होती है उनकी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द ऑपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड्स. द कंपाउंड्स कंटेनिंग द आयनिक और इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोब्लेंट कंपाउंड्स. तो क्या दो टर्म हमने बोले कि आयनिक बॉन्ड के होते हैं और आयनिक कंपाउंड के होते हैं. तो ऐसे कंपाउंड जो आयनिक और इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोब्लेंट कंपाउंड. और ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द ऑपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर इन द आयनिक बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड्स. तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं आयनिक बॉन्ड की या इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड की. देखिए यहाँ पे मेरे पास है सोडियम. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमने अभी किए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन, वन एस टू, देखिए टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस वन, वन है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से क्लोरीन है आपके पास, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17 है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 3s2, 3p5, ठीक है, 2, 8, 8+2, 10 और 7, तो हो गया 7 ये, ठीक है, 3s2, 3p5 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है. अब यहाँ पे p में कितने हैं 6, अगर होता तो कंप्लीट हो जाता, नियरेस्ट नोबल गैस बन जाता है ये, लेकिन इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की. अगर ये अपना 1 लॉस कर दे तो इसके पास भी ये कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट, ठीक है, यहाँ से ये जो है इसमें 2p के अंदर जो है इसके पास जो है सेकंड जो है शेल के अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 हो जाएंगे, ठीक है. तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस, मतलब ये एक अगर लॉस कर दे तो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, अगर ये एक गेन कर ले तो नियरेस्ट नोबल गैस बन जाएगा ये. तो होता क्या है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन को दे देता है सोडियम, क्लोरीन को दे देगा यहाँ पे. सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सोडियम के पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6 और 7 है क्लोरीन के पास, ठीक है. तो ये एक यहाँ से दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 बन गया इसके पास मतलब, ठीक है, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसका भी हो गया, क्लियर. तो ये क्या हुआ, यहाँ से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने क्या किया, लॉस किया है, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसने क्या किया, इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन. इसकी आफ्टर द लॉस ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन इट्स कॉन्फिग्रेशन बिकम 2s2 2p6 एंड आफ्टर द लॉस गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट्स कॉन्फिग्रेशन बिकम 3s2 3p6, ठीक है. तो ये बन गई नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, दिस इज ऑल्सो द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सोडियम क्लोराइड. इस तरह से बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है. तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इन दोनों के बीच में ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक इंट्रैक्शंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है. तो इस तरह के बॉन्ड जो आयन, क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव गेन एंड लॉस हो रहा है, आयन के टाइन दोनों हैं, एनायन भी है के टाइन भी है, ठीक है. तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है आपके पास, ये जो बॉन्ड बने ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोब्लेंट बॉन्ड है. अगर हम इसमें फॉर्मेशन जो है सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है उसमें देखें तो किस तरह से इसमें बनेंगे, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ इसको, देखिए यहाँ पे ये सोडियम है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन है प्लस यहाँ पे Cl 2, 4, 6 और 7. तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Na क्या जाएगा पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 4, 6, 7, 8, ये जो है वो क्लोरीन आपके पास आ गया. और हम इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl. तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो सकती है. अदर एग्जांपल्स भी आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, CF2 की है जैसे, तो वो आप इसके साथ जो है एग्जांपल करिए, MgO की है, MgBr2 है, अदर एग्जांपल्स लेके आपने इस तरह से आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स जो लेनी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने हैं किस तरह से बॉन्ड बनते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास कि फैक्टर ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे आयनिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपके पास फैक्टर्स ऑन विच द आयनिक बॉन्ड डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लो आयोनाइजेशन इंथैलेपी, लो आयोनाइजेशन, लो आयोनाइजेशन इंथैलेपी, ये फर्स्ट फैक्टर आपका लो आयोनाइजेशन इंथैलेपी। तो इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड वन ऑफ द एटम मस्ट हैव द कैटायन, वन जो है एटम उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट फॉर्म अ कैटायन, ठीक है, वाई लॉसिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करना है तो एक जो है वो कैटायन बनना जरूरी है, एक गेन करेगा एक लॉस करेगा, तो वन ऑफ द एटम मस्ट हैव मस्ट फॉर्म अ कैटायन बाय लॉसिंग द वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड द एज विद विच एन एटम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इट्स आयोनाइजेशन इंथैलेपी। ये किस पे डिपेंड करता है, आयोनाइजेशन इंथैलेपी में पिछले चैप्टर में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। तो आयोनाइजेशन इंथैलेपी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एज के साथ जो है वो लॉस कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन एटम जो है। तो आयोनाइजेशन इंथैलेपी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन इंथैलेपी। पढ़ा था ना हमने कि आउटर मोस्ट जो लूजली हर्ड आपका इलेक्ट्रॉन होता है गैसियस स्टेट के अंदर, उसमें एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव करना, ठीक है, गैसियस स्टेट में एटम है तो वहाँ से रिमूव होने के बाद वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म करता है, उसको आयोनाइजेशन इंथैलेपी बोलते हैं। तो अगर लेसर है आपके पास आयोनाइजेशन इंथैलेपी एटम की तो ग्रेटर इज द इज ऑफ लॉसिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेसर द आयोनाइजेशन इंथैलेपी क्या होनी चाहिए। अगर हमारे पास लेसर है ये आयोनाइजेशन इंथैलेपी अगर कम है तो ग्रेटर होगा वो इजीली जो है वो फॉर्म करेगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड मींस कि लॉस करेगा वो इजीली बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसलिए जो मेटल है जैसे जनरली हम देखें तो विच हैव द लो आयोनाइजेशन इंथैलेपी वैल्यू हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। तो सिंपल याद रखना है कि जिनकी आयोनाइजेशन इंथैलेपी कम होंगी वो क्या करेंगे, उनमें ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, क्लियर। तो सेकंड है आपके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी, सेकंड फैक्टर है हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी। हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी लगी, ये कंसेप्ट भी मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। द अदर एटम पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड मस्ट फॉर्म एन एनायन वाई गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैलेपी में क्या पढ़ा था हमने कि लॉस करना, गेन में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो एनायन कैसे फॉर्म होंगे, वाई गेनिंग द वन और मोर इलेक्ट्रॉन। दिस टेंडेंसी ऑफ द एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी जो है वो आपकी है क्या, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस एटम टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा गैसियस एटम के अंदर टू फॉर्म द नेगेटिव आयन, तो ये नेगेटिव आयन जो है वो फॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी। उसके बाद है आपके पास अगर वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी की वैल्यू है अगर वो हायर आती है, ठीक है, तो ग्रेटर क्या होगा वहां पे, ग्रेटर द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर लेसर वैल्यू आती है आयोनाइजेशन इंथैलेपी की उतनी जल्दी वो कैटायन फॉर्म करेगा, उतनी अच्छे से जो है आयनिक बॉन्ड उतने इजीली बन जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी में आपने बोलना है कि जितनी ज़्यादा जो वैल्यू होगी, हायर वैल्यू होगी होगी आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर विल बी द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एनायन, उतनी जल्दी से आपके एनायन जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा और ये पॉजिटिव आयन मीन्स कैटायन की फॉर्मेशन करेगा। तो लो आयनाइजेशन इंथैलेपी कैटायन की फॉर्मेशन डिपेंड करती है लो आयनाइजेशन इंथैलेपी के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन गेन में आपके पास नेगेटिव एनायन जो है वो फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपके पास हाई लैटिस इंथैलेपी, थर्ड फैक्टर है हाई लैटिस इंथैलेपी। तो इन लैटिस इंथैलेपी जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, हाई लैटिस इंथैलेपी। तो फॉर जो इसमें लैटिस इंथैलेपी क्या है, जो फॉर्मेशन है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक
ठीक है, जो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द आयनिक बॉन्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। जो ऑपोजिटली चार्ज है आपके पास उसके बीच में जो है वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, आपस में बॉन्ड जो है जो बन रहे हैं कितनी उसमें वो कैसे बन रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑपोजिटली चार्ज आयन के। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्रिस्टल बनते हैं उसमें एनर्जी रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फ्री आयन, ठीक है, जब जो फ्री आयन होते हैं कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वन मोल ऑफ द क्रिस्टल। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन फ्री आयन कंबाइन, जो फ्री आयन जो है आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द वन मोल ऑफ द क्रिस्टल। तो आपस में फ्री आयन जब कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द वन मोल ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन मोल ऑफ क्रिस्टल, देन इट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, फ्री आयन व्हेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वन मोल ऑफ द क्रिस्टल देन इट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी। तो हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, हायर होगी अगर लैटिस एंथैल्पी आपकी तो उतनी इजीली आपके आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड भी उतनी जल्दी बनेंगे, उतने अच्छे से बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अगर ज़्यादा होगी आपकी नेगेटिव होगी तो उतनी इजीली जो है वो आपके इलेक्ट्रोप्लैंट कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड बन जाएंगे। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, अगर जो आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है तो भी ग्रेटर ईज होगा इसको फॉर्म करना आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लैटिस एंथैल्पी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुआ, लैटिस एंथैल्पी क्या है आपके पास, क्या डेफिनेशन हम इसकी बोलेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके पास या फ्री आयन है व्हेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वन मोल ऑफ द क्रिस्टल इज नोन एज द लैटिस एंथैल्पी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। सिंबल जो है यू के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस एंथैल्पी को। ठीक है, तो ये था आपका लुईस, आज जो जो टॉपिक था वो था आपका आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, लुईस सिंबल्स क्या हैं, और एग्जांपल्स ऑफ लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोब्लेंड कंपाउंड ये, और उसके फैक्टर्स ये हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड जो है वो आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी हैं आयनिक कंपाउंड जो हैं वो कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो है इनकी प्रॉपर्टी, अगर फिजिकल स्टेट हम देखें इनके आयनिक कंपाउंड्स की, कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो आयनिक कंपाउंड जो है इनकी फिजिकल स्टेट अगर देखें तो ये क्रिस्टल एंड सॉलिड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो एक्सरे स्टडी है इन कंपाउंड्स की वो ये शो करती है कि दीज कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एज द इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द आयन। ठीक है, दीज आयन आर अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न टू फॉर्म द क्रिस्टल लैटिस। कि ये जो आयन है वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो अरेंज होते हैं, पर्टिकुलर एक ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, तो उसमें एक यूनिट सेल के अंदर जो है जैसे अरेंजमेंट होती है सॉलिड स्टेट में, आप पढ़ेंगे ये चीज़ें आगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें जो है एक फिजिकल स्टेट इनके आपने सिंपल क्या याद रखना है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये। क्लियर, फर्स्ट इसका ये हो गया। और जो नंबर ऑफ इसमें ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन होते हैं नियरेस्ट नेबर अराउंड एन आयन इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे ये एटम है आपके पास, इसके नियरेस्ट नेबर जो है वो कितने हैं, कितने एटम इसके साथ जो है वो अटैच्ड हैं, उतना उसको कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ये सेंट्रल मेटल एटम है मान लो, इसके साथ कितने, दो यहाँ पे तो फोर अटैच्ड हैं इसके साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इसका कितना है, कितने अटैच्ड हैं, कोऑर्डिनेट कितने कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को, फोर, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होते हैं ये। सेकेंड इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड्स है द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर क्रिस्टल्स हैं ये टाइटली, इसमें जो मॉलिक्यूल आयंस होते हैं वो कैसे हल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनको क्या चाहिए होता है, लार्जर अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हाई होता है इनका
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट अगर इनका आयनिक कंपाउंड का आप देखें और बॉइलिंग पॉइंट इनका देखें तो ऑलवेज आपको हाई मिलेगा, क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इनके एटम मॉलिक्यूल के बीच में, आयंस के बीच में, वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना जो है, वो ब्रेक करना जो है, वो डिफिकल्ट होता है। ड्यू टू दिस इसमें हाई हमें मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है और जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई है, ज़्यादा जो है इसको हीट करना पड़ता है इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड जो है, अब इसमें ग्रेटर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जनरली ये जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक हैं तो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और अदर पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी, हैविंग द हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अदर पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी सॉल्वेंट सॉल्व होंगे, डिजॉल्व होंगे ये, जिनका हाई इलेक्ट्रो जो है डाइपोल मोमेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर भी ये डिजॉल्व हो जाएंगे आपके, और किसके अंदर होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी, जिनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, हायर होगा। पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी जो है और जिनका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दिस इज ड्यू टू द लार्जर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर सॉल्वेंट एंड द आयन। हाउएवर द आयनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। जस्ट ये किसमें डिजॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट में और वाटर के अंदर, बाकी नॉन पोलर में अनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें, आयनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, आयन्स हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कैसे होंगी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे इन द सोल्यूशन फॉर्म में, इन द मोल्टन स्टेट में। ठीक है, और इन द सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट द आयन बिकम फ्री टू मूव। अगर इसमें आयनिक उसमें देखें आप, अगर मेल्ट किए हुए हैं मीन्स मोल्टन स्टेट में, अगर आप देखें मोल्टन स्टेट के अंदर और आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, तो फ्रीली जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो करंट करेंगे कंडक्ट। ठीक है, करंट को पास करते हैं, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में होंगे तो इसमें से करंट जो है वो पास नहीं होता, ड्यू टू दिस द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आयनिक रिएक्शन अगर देखें तो आयनिक रिएक्शन कंपाउंड जो है वो स्प्लिट अप इनटू द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। आयनिक रिएक्शन, नेक्स्ट वन इज द आयनिक रिएक्शन है। तो आयनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसमें जो आयनिक कंपाउंड है वो स्प्लिट कर जाते हैं, टूट जाते हैं किसमें, आयंस के अंदर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर के अंदर, जब इनको डिजॉल्व किया जाता है तो ऑपोजिटली चार्ज के अंदर ही डिवाइड हो जाते हैं, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। तो केमिकल रिएक्शन जो आयनिक कंपाउंड की है वो आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन आर नोन एज द आयनिक रिएक्शन। इनको जो है इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूट्स हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी को हम आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। आयनिक कंपाउंड आपके कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है इनका। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो ईच आयन कैसे सराउंड होता है, बाय द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द आयन, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, दस आयनिक कंपाउंड इज नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो आयन है वो कैसे सराउंड होते हैं, ओपोजिटली चार्ज्ड आयन के साथ। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इसके सराउंड क्या होगा, ओपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है वो होंगे इसके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल अराउंड द आयन, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉन डायरेक्शनल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अराउंड द ओपोजिटली चार्ज्ड आयन, एंड ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल होती है, और आयनिक कंपाउंड जो है आपके इसलिए नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द कोवेलेंट कंपाउंड, वो हम करेंगे अगले वीडियो में।